150 रुपए किलो। क्या हो गया? प्रथम सोनी। प्रथम सोनी, अच्छा। स्टॉल कब से लगा रहे हो? एक महीना हो गया, इसलिए तो देखो नया नया लगा रहा हूँ। अच्छा, इसलिए भाई यूपी यूपी वाले, क्या बात है। ये स्कूल में ना रहे भाई, और यहाँ पूरा पटाखा बिकता है, पूरा फटाका ही फटाका, फटाका का स्टॉल भाई। इन लोग तो ऐसा बुला रहे हैं, किनके पास जाए किनके पास ना जाए, ऐसा हो गया। मॉर्निंग बेटू, से हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो कैसे आप सब? जय श्री राम दोस्तों। आज है धनतेरस और आज हम आपको दिखाने वाले हैं पूरे बालोद का व्यू कैसा है, कैसा रहेगा आज का दिन, और हम कुछ कुछ करने वाले हैं एक्स्ट्रा। तो आप हमारे ब्लॉग पर बने रहिए, और माँ धन जो धनवंतरी है आपके घर में धन्य धन से पूर्ण करे, और माँ का आशीर्वाद आप पर बने रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को। अभी सुबह का 7 बज रहा है और व्यूज कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त कूल लग रहा है, क्योंकि ठंडा, और ऐसे भी विंटर का सीज़न है तो आप समझ सकते हैं। चलो हम नीचे चलते हैं सबसे पहले। पीहू एंड किट्टी, कम। ये पीहू एंड किट्टी, से गुड मॉर्निंग किट्टी। गुड मॉर्निंग। से हेलो टू आवर व्यूअर्स। हेलो, एंड यू? हेलो। किट्टी ब्लॉग करना चाहती है, तो चलो हम उसको ब्लॉग करने देते हैं। कैसा करती है इसने देखते हैं। किट्टी, टेक इट कैमरा रे। चल चल चल। टेक इट कैमरा बेटा। ओके। ओके, आई कैच। ओके, यू हैव टू टॉक ओनली। हेलो गाइस, माय नेम इज किट्टी साउन। आई रीड इन सीनियर केजी। I'm going to do blogging about crackers. We have to buy bomb, okay? Then we have to buy rocket and sparkles. Chakli. और वो खरीदने के लिए हम जा रहे हैं, है ना? Yeah, Russia. My name is Lucy Shahu. Then what? तो आफ्टर ऑल हम लोग जा रहे हैं आप लोग को माहौल दिखाने के लिए, बालोद का माहौल कैसा है, अब कैसा रहने वाला है। आज धनतेरस है, तो चलिए फिर पहले तो मैं बैठ जाता हूँ बाइक में, ताकि शूट करने करते बने इजी। क्या हो गया जी? बैड एक्सपीरियंस था। अभी हम हैं बुधवारी मार्केट में, और ये बुधवारी मार्केट को आप देख सकते हैं, इसको हम बाद में दिखाने वाले हैं। बाद में जैसे हम लोग मार्केट आएंगे सब दिखाने वाले हैं, यहाँ का जो माहौल है। हाँ, पहले उधर चलेंगे आगे। तो यहाँ की गलियाँ को देख सकते हैं आप, बहुत ही भीड़ और बिजी लग रहे हैं आज के दिन। यहाँ पर मटका वटका सब बेचने वाले, दिया मटका आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सदर रोड, सदर रोड का कुछ ऐसा आपको भीड़ देखने को मिलेगा। आगे जो मंदिर देख रही है चंडी मंदिर के पास, कुछ ऐसा भीड़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भीड़ है, यहाँ ज्वेलर्स, फल भंडार, सभी एकदम बिजी चल रहा है। सब बैनर वगैरह लगा कर अभी सेलिंग कर रहे हैं, और अग्रवाल कलेक्शन ये भी है, लाइटें वगैरह देख सकते हैं। अगर को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे लाइटें वगैरह देखने मिल जाएगी। यहाँ पे बैरियर भी लगाया हुआ है, ताकि बड़ी गाड़ी है वो अंदर प्रवेश ना कर सके। चलो फटाखा दुकान पहले चलते हैं। ये है घड़ी चौक, और घड़ी चौक में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आगे जहाँ जस्ट चलेंगे, ये स्कूल मैदान है भाई, और यहाँ पूरा फटाखा बिकता है, पूरा फटाखा ही फटाखा, फटाखा का स्टॉल लगा हुआ है। चलो एक राउंड पहले पूरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में।
आना जी आते 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 उधारी वाला ने करू मना उधारी वसूल करता है उधारी में खरीदता है हां हां रुक ना अभी उधारी वाला ना हूं पहले वसूली करन नहीं हम भी तुम चलो भाई तीन लोग तो ऐसा बुला रहे हैं किनके पास जाए किनके पास ना जाए ऐसा हो गया हां आएंगे 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 सबके पास अभी अरे तेरी भाई कुछ ऐसा यहां का माहौल है आप देख सकते हैं अरे भैया नमस्ते जल्दी घुमा गया समझ गए हाँ हाँ आ रहे भाई सभी ऊपर आएंगे किसके पास जाएंगे किसके पास नहीं जाएंगे यार समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसा माहौल यहाँ का देखने को मिल जाएगा आपको अगर आप यहाँ स्कूल मैदान में आते हैं तो फटाका ही फटाका सब जगह स्टॉल लगा हुआ है फटाके का और सभी लोग आपको बुलाएंगे अगर आप आते हैं तो चल यहीं पर रुके में तो भाई साहब आपका नाम सुनील अग्रवाल जी बढ़िया चल रहा है इस बार ठीक है बहुत सारे स्टॉल लगा हुआ है ऐसे बहुत ज़्यादा भाई सभी हम स्टॉल खड़े हैं पटाखा लेने के लिए बच्चे के जीत के कारण ये ठीक चलता है और इससे बड़ा भी नहीं बच्चों के लिए इनफ है गाइस हम लोग फटाका खरीद चुके हैं और इसके अंदर है पॉलीथिन के अंदर इसको हम बाद में दिखाएंगे आप लोग को लेट्स गो गेट अप देयर तो भाई अभी देख सकते हो थोड़ा सा भीड़ बढ़ गया है और भी बढ़ने वाला है भीड़ जैसे जैसे शाम होते जाएगा भीड़ बढ़ते जाएगी और सभी दुकान वाले हैं जो बाहर पर पूरा सामान रख दिए हैं बेचने के लिए ताकि ग्राहक अच्छे से देख सके और बाय कर सके और ये चंडी मंदिर के पास का व्यू कुछ ऐसा दिखता है हम लोग वापस जा रहे हैं अभी ये लोग बहुत भूखे हैं इसलिए ये लोगों के लिए चाट और गुपचुप क्या खाएगी पता जल्दी तो ये है भाई देवांगन चाट कॉर्नर यहाँ पर बच्चे भूखे हैं इसलिए खिलाने लाया ले आए हैं इन लोगों को टेस्टी मेन शॉपिंग है यहाँ से शुरुआत होती है मिट्टी के बर्तन और दिए से और यहाँ पर बहुत खूबसूरत लक्ष्मी माता जी की मूर्ति कहाँ से हो दादा वर्मा चल रहा है बढ़िया आप खुद बनाते हैं इसको खुद बनाते हैं ना ए अंशु उसके अंदर आ जाएगा रे मत ये 50 का भाड़ा ले लो और ये 10 वाला है और वाला 15 रुपए किलो क्या हो गया प्रथम सोनी अच्छा नहीं वो तो जानता हूँ क्योंकि डेली रहता हूँ हाँ ये हाँ 10 साल से ठीक मैं बोल रहा था 50 रुपीज पर केजी रंगोली यहाँ मिलता है कलर और 50 का 12 पैकेट ये वाला नहीं रखी क्यों नहीं रखी ये बहुत वजन है मतलब इसमें सैंड ज्यादा मिला होगा ना इसमें क्या क्या रेत मिलाते हो ना और अच्छा आप लोग नहीं बनाते आप लोग ही बनाया करो सस्ता पड़ेगा और कहाँ से लाते हो आप ओ भाई प्रथम भाई है ना हाँ मैं बोला कहाँ से लाते हो इसको ध्रुव से मैं बोल रहा था यही से बनाते हो क्या यही लाते हो अच्छा यही पैक करते हैं वेरी गुड बॉय कौन से क्लास में कहाँ पढ़े जाते हैं नगर पालिक यही अच्छा ठीक बाल मंदिर बोला करो ठीक है ओके भाई बाय अब नहीं आएंगे बाद में आएंगे वाओ बड़ा बड़ा पूरा व्हाइट ही व्हाइट दिखाई दे रहा है भाई कोई कलर नहीं दिखा रहा यहाँ पर आप मिठाई खरीद सकते हैं और पूरा जो एक ही कलर का दिख रहा है आप लोगों को व्हाइट कितना बेटा वन
सर कर गए हम लोग सब्जी मार्केट में। यहाँ पर फुल स्टॉक में आपको सब्जी में देखने को मिल जाएगा। नहीं नहीं अभी नहीं लेना है कपड़ा वगैरह, वैसे अच्छा लग रहा है वो, लेकिन आप लोग के लिए नहीं है। आप लोग सीधा देखो सब्जी खरीदो, ठीक है। अंशु अंशु ऑलरेडी बॉट, यस सर खरीद चुके हैं ना पहले से कपड़ा, आप लोग बाय कर सकते हो। हरी पीली नीली सभी प्रकार की सभी कलर की सब्जियाँ। अच्छा मटर भी आ गया है, कितना रुपए किलो है मटर? 1 किलो 50 100 घर के जान, बस घर के पास जान ताकि से मिर्ची नहीं है यहाँ पर फुल कंपटीशन है, आप देख सकते हैं। 30 रुपए किलो। अच्छा जूरी हरे 150 रुपए किलो। हाँ बहुत महंगा है भाई, ये नागपुर साइड से आ रहा होगा। ठीक ठीक, तो मार्केट से सब्जी खरीदने के बाद अब हम जा रहे हैं घर, और बच्चे भी हैं मेरे साथ में। बताई नहीं पहले से, तो मैं पूरा प्रिपेयर के साथ बनाता हूँ वीडियो। पहले से बताना चाहिए था कि हम कर रहे हैं पूजा करके, कोई बात नहीं तो पूजा हो चुका है तो मैं भी कर लेता हूँ। कितने दिए हैं हम? 13 आज के दिन 13 जलाते हैं, कल 14 से, तो 14 दिन जलाएंगे। मैं कर रहा हूँ तो लास्ट में बस इतना ही बोलेंगे, माँ दंतेश्वरी है या धन्वंतरी देवी है, आप पर कृपा हमेशा के लिए बनाए रखे। और इसी उम्मीद के साथ चलिए हम आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।